Allá. काम हो गया, ठीक, अच्छी बात। क्या हुआ, फोन काहे डिस्कनेक्ट कर रही हो? है? बात करो, फिर से आएगा फोन। फोन आएगा, किसी को कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये आया, आओ उठाओ। तुम्हारी भतीजी अंजलि का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ है? ये फोन कैसे हाथ से छूट गया है? सब कुशल मंगल? तुम्हारी भतीजी अंजलि पहुंच गई ना सही सलामत ऊपर? ऊपर पहुंच गई? अब इसमें चौंकने की क्या बात है? काहे चौंक रही हो? ये तो इस घर में होता रहता है, जानती हो ना तुम। हम किसी को दंड देने में चूकते नहीं ना, ना। तुम्हारी भतीजी अंजलि ने हमारी बच्ची पर आरोप लगाया, हमारी बच्ची की बेइज्जती की, हमारी बेइज्जती की। क्या क्या फोन आया तुम्हें अभी कि अंजलि का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई? यही किसी ने तुमसे कहा ना? एक्सीडेंट हम ही ने करवाया। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी भतीजी अंजलि इस घर में किसी के इशारों पे नाचती थी। तुमने उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए यहाँ बुलाया था ना? क्या पूछ रहे हैं हम? अपना मकसद पूरा करने के लिए यहाँ बुलाया था ना? हाँ या ना? सुमन और बादल पे नजर रखने के लिए। जबान काट देंगे, जबान काट देंगे अगर हमारी बच्ची के साथ किसी लड़के का नाम जोड़ दिया तो। जबान काट देंगे। और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, बताने की जरूरत है तुम्हें? बताने की जरूरत है तुम्हें? नहीं पड़के भैया, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पड़के भैया, आपको सुनने की जरूरत है। सुमन हमारी बेटी जैसी है, हम इस परिवार के हैं, ये घर हमारा है। हमने जो किया अपनी सुमन के हित में किया। हमें शक था कि सुमन और वो दोनों के बीच में कुछ है, और समय रहते हम उसे रोकना चाहते थे। सोचिए बड़के भैया, हमने अपनी भतीजी की कुर्बानी दे दी, किस लिए? हम जानते हैं आप सुमन से बहुत प्यार करते हैं, उस पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता बड़के भैया। चिंगारी के धुआं नहीं उठता। वो फोन नहीं उठा रहे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले गए बिना बताए। दिव्या जी, हम इनको फोन करेगा। पता नहीं कहाँ चले गए भैया। लखन, चंद्रमा, तुम्हारे बड़े भैया पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए, उनका फोन भी नहीं लग रहा। अरे भाभी, हम खुद दो जगह पूछ के आ रहे हैं, ये गाड़ी भी लेके नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए। हे भगवान, हमारा तो मन घबरा रहा है बहुत। रुक्मिणी जी, आपका मन तो बिना बात के घबराने लगता है, हैं?
कहाँ चले गए थे आप? हाँ, हमको बताकर नहीं जा सकते थे? मंदिर गए थे रुक्मिणी जी, हमारे हाथों कुछ अच्छा काम हुआ, सोचा माता रानी का आशीर्वाद ले लें। अच्छा, वो पंडित जी मिले मंदिर में जिनके पास आप लोग गए थे? सुमन कहाँ है? सुमन, वो हम आपको बताना ही चाहते। बताया हमें पंडित जी ने कि सुमन की जन्मपत्री में लिखा है कि उसकी शादी हो गई। क्या बकवास कर रहा पंडित भाई जी? हम तब विद्या जी को मोहिते बोले थे कि पंडित जी को ना हिसाब करने में कोनो गड़बड़ी हो गया है। अब शादी होने वाला है, शादी हो गया, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है का? ना 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 ना, मंजली बहू बड़े विद्वान है पंडित जी, गुणी है, एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है, ये चूक नहीं है, हो जाता है। चलो, एक खुश खबर है तुम लोगों के लिए, विंध्यावासिनी माँ का आशीर्वाद है सच में। इसी महीने हमारी बच्ची सुमन का ब्याह तय हो गया है। सुमन के जो होने वाले ससुराल वाले हैं, उन्होंने फोन किया हमें, बड़े उतावले हो रहे हैं अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए। उन्होंने एक शुभ मुहूर्त निकाला है, हमने भी हाँ कर दी भाई, हैं? हमने हाँ कर दी अपनी बच्ची के लिए। अरे भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक, क्या खबर सुनाई है? सुमन बिटिया, हाँ? ये मिठाई सबसे पहले हमारी बिटिया। रुक्मिणी जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लखन, बधाई हो, हमारी सुमन का ब्याह हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो बड़के भैया आपको, ये कार्य तो शीघ्र ही शुभम है। रुक्मिणी जी, आपने जीवन में पहली बार हमसे कुछ छिपाया है। आशा करते हैं ये आखिरी बार है, आगे से ध्यान दीजिएगा जी। सुमन, सुमन, शर्मा गई। बाबूजी, ऐसे कैसे कर सकते? एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी आफत आ पड़ी। सुमन, तुम भी ना कसम से अपनी किस्मत लिखवा कर ही आई हो। जब बादल को पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे, हमको उसको बताना होगा। कहाँ चला गया? मम्मी, ये लो। हाँ लाओ। अब बादल, तनी पेटी उठा के अलमारी के ऊपर रख दो।
हाँ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। हाँ नहीं उठा रहे हम फोन। हाँ। ओ बादल, तुम्हारी सुमन मुसीबत में है। ये कौन इतना बेसब्री से तुमको फोन कर रहा है? ऐसा कौन सा दोस्त है जो तुम्हारा मरा जा रहा है? उसके घर में आग लगा है क्या? तुम पानी लेकर जाने वाले हो? ए चतुरा, अरे उसको काहे नहीं फोन लेने दे रही हो भाई? उस बेचारे को तब से तुम बोले जा रही हो। ले लो बेटा, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। तुम्हें काम करो, तुम जाकर ना रिक्शा ले आओ जल्दी। हाँ। पापा। हाँ, पानी, हाँ। पानी। पापा। सुनिए, उठिए। क्या हो गया बादल? बादल, इनको कुछ होना नहीं चाहिए, उठिए ना। हाँ, गुड्डी आ गई, अस्पताल ले चलते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी करो। सुनिए। हेलो, हेलो बादल, बादल तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हेलो बादल, तुम बोल पा नहीं रहे हो? बादल, उठाओ बादल, यहाँ हमारी जान निकले जा रही है, प्लीज फोन उठाओ। ठीक है, अब हम ही उसके घर जाकर उसको मिलने आऊंगा। कहाँ जा रही हो? वो माँ, हम पल्लवी के यहाँ थोड़ी देर के लिए। अभी जाने की कोनो जरूरत नहीं है, अंदर चलो, हमको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो। पर अब कैसे है वो? उनको गुस्सा आया? कहा हुआ है उनको? नहीं अभी नहीं, डॉक्टर बताएंगे। बादल, का कह रहे जो है, का कर रहे हैं डॉक्टर अंदर है? का हुआ तेरे पापा को? डॉक्टर का कर रहे हैं अंदर? कुछ होगा तो नहीं ना उनको? कुछ होना नहीं चाहिए उनको, तेरे पापा को कुछ होना नहीं चाहिए। अपने पापा को कुछ नहीं होगा, हम है ना? तू है इसलिए तो हम हमेशा तेरे आगे पीछे पड़े रहते हैं बेटा। तुम हमसे दूर हो जाओगे तो हमारा घर जो है बिखर जाएगा। तेरा ही सारा बेटा। मम्मी, तू तो हिम्मत वाली है ना, फिर कहा है ऐसे? है बेटा, हमरे में बहुत हिम्मत है, लेकिन जब तक माता पर सिंदूर है ना, तब तक उकरे बाद तो तुम्हारा ही सहारा है ना बेटा। पापा ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, पर आज ये जिम्मेदारी हमारी है। पापा, मम्मी, गुड्डी, हमको सबको संभालना है। इतनी बेचैन काहे दिख रही हो सुमन?
क्या बात है? तुम खुश नहीं हुई बात तो हम समझ रहे, पर ये जो परेशानी के भाव तुम्हारे चेहरे पर है वो किस कारण है हमको बताओ सुमन। आपको क्या लगता है महा, वो अंजलि आकर कुछ भी बकवास करके चली जाएगी तो आप हमसे आकर सवाल करेंगी? बाबूजी ने हमारी शादी की डेट क्यों जल्दी करवाई? वो अंजलि की बातों में आकर ही ना हमको का पता नहीं है माँ, हमको सब पता है। बैठ। कौन का सोचता है का करता है ये सब छोड़ो सुमन, तुम तो पहले से ही जानती थी ना कि तुम्हारा ब्याह होने वाला है, फिर किस बात की परेशानी है? फिर चाहे ब्याह जल्दी हो या देर से हो क्या फर्क पड़ता है सुमन? हम फिर एक बार तुमसे पूछ रहे सुमन, अगर कुछ ऐसा है जो तुमने हमको नहीं बताया और हमको पता होना चाहिए तो अभी बोल दो। सुमन तुम अपने बाबूजी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वो एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो उसे यहीं गाड़ दो, आग से खेलने की कोनो जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? मम्मी, मम्मी। बादल, तुम्हारे पापा कैसे हैं? हमारा आँख कैसे लग गया? आपको उठाएगा ही नहीं पहले। मम्मी, पापा ठीक है, उनको होश आ गया है, बस कुछ टेस्ट चल रहे पर देर लगेगी। गुड्डी कहाँ है? गुड्डी यही है। गुड्डी, मम्मी एक काम कीजिए, गुड्डी के साथ घर चले जाओ। माँ हम हैं यहाँ पर, अशोक रिक्शा ले आओ। नहीं, चल नहीं, हम यहीं रहेंगे बेटा, घर जाकर भी आपको कौन सा नींद आने वाला है, हम यहीं ठीक। मम्मी घर जाके आराम से लेट जाना। मम्मी ऐसे समय में आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। हमको कुछ नहीं होगा बेटा, आप प्लीज घर जाइए। आइए चलिए उठो। आइए चाची। चलो कमल आइए, रिक्शा मंगाते हैं। सॉरी हम तुम्हारा कॉल नहीं ले सके सुमन, तुम ठीक तो हो ना? हम तुमको बहुत मिस कर रहे हैं। ये सब कहा हो गया अचानक सुमन, कहा बताए तुमको हम किस हाल में इस वक्त? पाटल तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन काहे नहीं उठा रहे? तुमको पता है तुम्हारी सुमन कितनी अकेली पड़ गई है? इतने प्यार से किसे याद कर रही हो सुमन? बादल को? तो तुम उसे फोन कर लो ना। क्या हुआ, वो फोन नहीं उठा रहा है? कहीं भाग तो नहीं गया? नहीं मतलब पॉसिबल है पकड़े जाने के डर की वजह से वो कहीं भाग गया हो। कहीं पकड़ा जाएगा, कल हम सबको बता दिए थे ना सही से कि हमारे बीच कुछ नहीं है, अब हम पे अभिशक कर रही है। शक नहीं कर रहे सुमन, पूरा यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो।